आज हमारे गेस्ट हैं असद उमर साहब इंडिया में यही हुआ उन्होंने एकदम से चंद घंटों के उस पर अनाउंस किया और उसकी वजह से लाखों बिकॉज एब्सोलूट सेंट्रलाइज कंट्रोल है जो एक फैसला टॉप पे होता है एवरी सिटीजन ऑफ द ग्राउंड फॉलोज इसके अंदर से जो सबसे बड़े दो सेक्टर्स थे जहां पे ये जॉब लॉसेस हुए कंस्ट्रक्शन के अंदर बिकॉज वो डेली वेज अर्नर है वो जाके खड़ा होता है वो तो मार्केट में खड़ा होता है उधर से आता है ट्रक उसमें उसको लेके जाते हैं और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बट प्रोविंसेस एंड फेडरेशन केम टूगेदर एंड प्रोविंस ने वॉलटेरली अपनी राइट्स uh, जो हैं वो गिव uh, अप की इन अ वे वालेकुम वेलकम टू आज की बात आज हमारे गेस्ट हैं असद उमर साहब ये हैं मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स और ये लीड कर रहे हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो कि कोविड के हवाले से पाकिस्तान की जो एक कम्बाइंड एफर्ट है वहाँ से लीड हो रही है वेलकम टू तो आज की बात थैंक यू कैसे हैं अल्लाह का बस ठीक लेट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी में वेडिंग एनिवर्सरी का ट्रिप था मलेशिया से वापस आया तो पाकिस्तान हैड ऑलरेडी स्टार्टेड सर्टेन एन एयरपोर्ट पे हमारे टेम्परेचर को चेक किया गया हमारे ट्रैवल प्लान्स जो है उनका उन्होंने देखा कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कितना अर्सा रहे हैं फेबरी और मार्च में फिर मैं गया डेमार्क नॉर्वे और यू वहाँ पर ज़ीरो इनिशिएटिव था किसी ने पूछा नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं आपको बुखार हुआ है नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत जल्दी ये एक आ, स्क्रीनिंग शुरू कर दी जो लोग बाहर से आए थे तो इवन यूरोपियन तरह नहीं हुआ तो इसकी वजह क्या थी और इसके ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान ने एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया बहुत अर्ली ऑन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आ, और मुझे अभी भी याद है किसी ने टोरंटो एयरपोर्ट का मुझे याद है कोई पाकिस्तानी उसने कहा मैं भी पाकिस्तान से आ रहा हूँ वहाँ पे ये सारी स्क्रीनिंग थी एसेट्रा और यहाँ पे कोई भी नहीं पूछ रहा परहैप्स हमारी एक वजह सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की इसलिए भी थी कि जब वुहान में हुआ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहाँ बहुत सारे सो वो हमें डायरेक्ट उससे कनेक्ट हमारा क्रिएट हुआ जफ़र मिर्ज़ा जो उस वक़्त ऐसे पी एम हेल्थ होते थे उन्होंने बिल्कुल अर्ली इनिशिएटिव लिया और जनवरी में ही हमारे इनिशियल स्टेप्स स्टार्ट हो गए थे यू आर एप्सोलूटली रॉइट और उसका आई गैस हमें फ़ायदा भी हुआ बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में चूँकि डनमार्क और नॉर्वे का मैं ज़्यादा फॉलो करता रहा हूँ और जो वहाँ की डेवलपमेंट थी और पाकिस्तान की वो वाजह उसमें फ़र्क आया था और यू के आपके सामने मिसाइल लेकिन जो एक और हैरत की बात है वो ये है कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है यूरोप में तो शायद वो भी एक फैक्टर है वहाँ पर क्रॉनिकली भी लोग ज़्यादा हैं तो अगर इंडिया के साथ अगर हम मुकाबला करते हैं तो इंडिया में तकरीबन साढ़े तीन गुना ज़्यादा केसेस है और वहाँ पर जो मोटेलिटी रेट है वो तकरीबन पाकिस्तान से दुगनी है तो इसकी क्या वजह हो सकती है देखें वो आप सही कह रहे हैं क्योंकि डिजीज़ जो है इसमें दो चीज़ों के साथ कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है एक तो ये कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो मोटेलिटी रेट्स कीप गोइंग आप तो क्योंकि यूरोपियन पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन हैं तो ओवरऑल जब पॉपुलेशन के ऊपर आप निकालेंगे एवरेज मोटैलिटी तो हमारे जैसे की कम नजर आती है दूसरी इट इज़ एक डिजीज़ कॉन्सनट्रेट इन लार्ज अर्बन डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर क्योंकि वह अर्बनाइज्ड ज़्यादा हैं ममालिक तो इसलिए उनका एक्सपोजर ज़्यादा था आ, लेकिन हमारे से जो मिलते जुलते ममालिक भी हैं जिस तरीके से इंडिया जो है वहाँ पर ऑब्वियसली ना वेदर का डिफरेंस है और हर किस्म की थियरी इस्तेमाल हो चुकी है कि वो मलेरिया के वजह से इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि हालात अच्छे ये, ये बट ये सारी चीज़ें कॉमन है हमारे एरिया के अंदर और उसके बावजूद जो आपने डिफ्रेंस देखे देखिए हमारी जो एक लर्निंग हुई है दो चीज़ें मैं कहूँगा जो हमारे जो नज़र आता है प्राइम फीसी एक ये कि वो ममालिक जिन्होंने एक्सट्रीम पोजिशन ली यानी या किसी ने जिसने कहा कि सब बंद कर दो और जितनी देर तक बंद कर कर सकते लौकड़। 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 वो लॉकडाउन दो उसको रखो दे सफर और जिन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है दे सफर ठीक जो जिन्होंने प्रेगमेटिक एक अप्रोच ली जो सस्टेनेबल थी इंडिया में यही हुआ उन्होंने एकदम से चंद घंटों के उस पर अनाउंस किया और उसकी वजह से लाखों क्या करोड़ों जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया के और वो, वो कंजेस्टेड और उसके बाद जब वो सस्टेन नहीं कर सके तो एकदम से सार वो खुला वहां पे बहुत आ, सो उसकी वजह से उनको आए दूसरा हमने ये देखा है कि जितना सेंट्रलाइज कंट्रोल इंटीग्रेटेड डिसीशन मेकिंग हुई है उतने मुल्कों ने बेहतर परफॉर्म किया है सो आ, उसकी सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल चाइना है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुली चाइना ने आफ्टर वुहान

सो पीपल आर मच मोर रिसेप्टिव टू वर्ड द स्टेट इज टेलिंग दैम टू डू सो वहाँ पर आपने देखा जनरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ uh, पाकिस्तान के अंदर जो एक ही वजह बनी ये जो एन सी ओ सी बनाया गया एन सी सी बनाया गया इवन uh, दो पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल कंट्री है डिवॉल्ड डिसीशन मेकिंग है एटीनथ अमेंडमेंट के बाद से और भी डिवॉल्ड है बट प्रोविसेज एंड फेडरेशन केम टुगेदर एंड प्रोविंज ने वॉल्टरली अपनी राइट्स uh, जो हैं वो

बलुचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान अवमी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ का चीफ मिनिस्टर है सिंध में पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में पी एम एल एन के प्राइम मिनिस्टर और जी बी में उस वक़्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर थे और जाहिर तरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन के पी पंजाब एंड द सो चार डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज थी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कॉपरेशन में कोई इशू नहीं था गवर्नमेंट hmm. लेवल के ऊपर इनिशियल पहले दो हफ्ते है मुझसे दो तीन hmm. हफ्ते ये हो चला तो उसके बाद रोजाना डेज अ वीक भी होते थे आ, लेकिन उसके बाद शाम को से सात बजे और ग्यारह बजे के दरमियान एक दूसरी दुनिया होती <laughs> है सो वहां पे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं होती वहां पे पर पोलिटिकल पार्टी पॉइंट स्कोरिंग पाकिस्तान वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है फ्री मीडिया है सो so, ऐसे लगता था कि हाँ, वॉर है वहाँ हाँ, पे, बिल्कुल बट सबस्टैंडिव डिसीजन मेकिंग के अंदर ऐसा नहीं था उसमें इतने देखिए तो एक बहुत मैं समझता तो हूँ एक पॉजिटिव बात है कि एक ऐसे बड़े कौमी सतह पर जो एक क्राइसिस आई थी और बहुत सारे मुल्कों में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी कि अक्रॉस द पोलिटिकल पार्टीज सब ने एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स पर रखी और पाकिस्तान में जो एक काफ़ी कंट्रोल्ड सिचुएशन रही है तो अभी जाहिर जनवरी का महीना तो आगे आप क्या देखते हैं हाउ इट प्ले आउट इन पाकिस्तान विद द कोविड इन्फेक्शन क्या प्रिडिक्शन हैं जो आपके एक्सपर्ट्स हैं और अच्छा जो आपके पास सेमेशन है प्रडिक्शन करनी इसलिए जरा सी मुश्किल होती है दैट द डिजीज स्प्रेड इज अ फंक्शन ऑफ सोशल बिहेवियर सो इट विल डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल फॉलो इशूड एट द्वार टाइम तो लगता है कि पाकिस्तानी थक गए hmm. और ज्यादातर पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि कोरोना खत्म होगी सो दैट मेक्स मी नर्वस बेट जो सेकेंड वेव आई थी वी कैप्टन सिंग लुक दिसम बैक लोग जो है वो थक गए थे हमने जब चीजें खोलें

बहुत अच्छे एनालिटिकल टूल्स भी डेवलप हो गए ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम्स भी आई कैन गो इन टू मोर डिटेल में महल में पोलियो प्रोग्राम का भी इस्तेमाल हुआ था। उसका वो डेटा कलेक्शन वाला जो है वो सारी जो पोलियो का जो प्रोग्राम है उसी को इस्तेमाल किया जाता है और वो जो पूरी अपडेमोजोलॉजिकल डिजीज़ की रिपोर्टिंग वाले के सिस्टम्स हैं वो उसमें यूज़ हो रहे हैं बट बट वेलकम बैक टू दैट सो हमने टारगेट हमने एनालाइज़ किया और हमने कहा जी तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह सब से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिजीज स्प्रेड आ रहा है वन द एजुकेशन सिस्टम इट्स सिंपली बिकॉज इट्स द बिगेस्ट पाँच करोड़ से ज़्यादा बच्चा है पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बीस लाख टीचर्स हैं तीन लाख से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो एक तो वो हमने कहा कि एक एक्सटेंडेड विंटफिकेशन की जाए और दूसरे थे इंडोर डाइनिंग एंड इंडोर

उनमें से कुछ लोगों की मजीद तबीयत खराब होगी तो वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे वेंटिलेटर पे चले जाएंगे और उनमें से चंद जो हैं so तो है वो एडमिशन जो है डेली एडमिशन पीक किए और उसके बाद डिक्लाइन करने शुरू हो गए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के अंदर जो है ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स थे वो पीक किए और डिक्लाइन करने शुरू हो गए मोर्टेलिटी पीक की और डिक्लाइन करनी शुरू होगी सो यू कूड क्लियरली सी विजबल इम्पैक्ट ऑफ एक्शन से एक तो एजुकेशन hmm. खोल दिया है पार्शली आगे हम खोलने के लिए जा रहे हैं so, उसकी जरा सा step by step. जरा सा आपको ट्रेंड नजर आ सकता है डिफिकल्टन इज डाइनिंग एन मैरज इज दट स्टिलीव राइट नाउड स्टेट शर्ट सो यू माइट सी समर्सल अभी जो डिक्लाइन आप hmm. देख रहे हैं उसमें सम रिवर्सल माइट हैपन व्हेन स्कूल्स ओपन बट वी बिलीव के वो जो हमारी एक लिमिट है जिसके अंदर हम ऑपरेट करना चाहते हैं वो भी लिमिट में आपको व्हाट इज द पॉइंट कि जिसको हम देख के ये फैसले करते हैं एंड दैट इज के हमारे हॉस्पिटल सिस्टम की कपेसिटी क्या हो रही या सो दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर आर डिसीजन मेकिंग बिकॉज एज अ फ्लिप साइड इट्स नॉट जैस वन वे होती तो इंसान जहां पर मिनिस्ट्री में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने में हफ्ते लग जाते हैं exactly. वहां हमने सिस्टम सेटअप किया और ये अप्रैल के शुरू में हमने कहा वी प्रोडिक्टेड सॉरी मे के पहले शुरू में हमने प्रडिक्ट यह किया कि देखो ये डिजीज स्प्रेड अभी बढ़ेगा जब ये डिजीज स्प्रेड बढ़ेगा तो आपको हॉस्पिटल सिस्टम पर्टिकुलरली बड़े शहरों के अंदर जो बड़े अस्पताल है वो अंडर प्रेशर आएंगे जब वो अंडर प्रेशर आएंगे तो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे लिए जो क्रिएट होगा वो पैनिक होगा सिटीजन पैनिक बिकॉज जब आप दो फोन करेंगे और आपको बेड नहीं मिलेगा तो एक्ट सो वी टोल्ड एन आई टी बी के आपने एक ऐप बनानी है विच वॉज एंड कॉल्ड निगेबान उस ऐप के अंदर जाहिर है डेटा इज क्रूशल वो ऐप क्या करती है आप उस ऐप पे जाएं तो वो आपको ये बता देगी कि आपका क्लोजेस्ट कौन सा हॉस्पिटल है बेड्स अवेलेबल अवेलेबल के लिए ऑक्सीजन साढ़े सात सौ हॉस्पिटल अराउंड पाकिस्तान आर कनेक्टेड ऑन इट और दो घंटे के डिले से वो अपडेट होता है मोस्ट अमेजिंग अचीवमेंट वही कोऑर्डिनेशन से हुआ शुरू में डेटा आना प्रॉब्लम होता था सो आज हमने आर्मी से 700, तो मोर टाइम मोर में आपके पास, पास और लेस रियल टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और एज एंड सात सौ उनको अस्पतालों में बैठाया sure डेटा फ्लो इंटरेस्टिंग uh, मेरा एक पेशेंट आया था कि यूएस में रहता है तो वो जब आया तो कहता है कि एयरपोर्ट पे भी ए, स्क्रीनिंग हो रही है और ऊपर से उन्होंने मुझे ऐप का भी बताया सो दैट दे हैव फुल कंट्रोल और कहता है कि अमेरिका में तो ये कुछ ही नहीं हो रहा और बड़ी हैरत की बात है कि इवन डब्ल्यू एच ओ ने पाकिस्तान के एफर्ट्स को और जो पाकिस्तान के मतलब है कंटेन किया हुआ इस वायरस को उसको भी अप्रिशिएट किया तो जो रेस्टोरेंट्स हैं जो बिजनेसेस हैं तो इमरान का फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यही रहा है कि जी गरीब आदमी क्या करेगा अगर हमने फुल लॉकडाउन कर दिया तो उसके फाइनेंशियल काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं तो जिस तरह ये रेस्टोरेंट्स बिजनेस है मैरिज हॉल्स वगैरह का आपने जिक्र किया और और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं तो जो इकोनॉमिक इसका बैकफॉल होगा वो कैसे वो, आप देखेंगे स्ट्रॉ एविडेंस केम आउट आर्ग्यूमेंट करते थे प्राइम मिनिस्टर एंड वॉट द कॉस्ट वॉज एंड बीन सो मच वॉज बिकॉज ओलो का तो सारी ऑपोजिशन लॉकडाउन कर दो एंड फ्रेंकली uh, हमारी सोशल क्लास के लोग जो है मेजोरिटी ये कहती थी कि तुम मरवा देंगे ये क्या हुँ. कर रहे हैं एंड टॉकिंग अबाउट ओपनिंग और लोग बोलते थे कि जी लाइव्स बचेंगी तो लाइवलीहुड होगा ना आई टेल यू कि वो भी हमने कैसे व्हाट डिड वी डू स्पेसिफिकली जिसकी वजह से हमारे ख्याल में आ, वो लाइव्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं हुआ पीक ऑफ लॉकडाउन जी जो शुरू में दो तीन हफ्ते के लिए हुआ था अप्रैल में दो करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजगार खत्म हुई जी इट्स नंबर दो करोड़ बिकॉज uh, और इसमें सेवेंटी सिक्स uh, परसेंट जो थे ये वो हैं जिनको इनफॉर्मल इकोनॉमी आप कहते हैं राइट जिसको हम लोग बोलते थे कि दिहाड़ीदार जिसका हमने ख्याल करना है वो दिहाड़ीदार वो मजदूर भी है। आज कमाएंगे तो खाएंगे वो बिल्कुल और वो मजदूर भी है जो मजदूरी करता है तो उसको उस दिन पैसे मिलते हैं वो लोग भी हैं जो अपना ठेला लगाता है कोई छोटा वो उसने खोखा है सेल्फ एम्प्लॉय भी जो हैं जो सो ये जो लोग हैं इसके अंदर से जो सबसे बड़े दो सेक्टर्स थे जहाँ पे ये जॉब लॉसेस हुए कंस्ट्रक्शन के अंदर बिकॉज वो डेली वेज अर्नर है वो जाके खड़ा होता है वो तो मार्केट में खड़ा होता है उधर से आता है ट्रक उसमें उसको लेके जाते हैं और दूसरा मैनुफेक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर है बहुत बड़ी तादाद के अंदर

और रिड्यूस तो क्वालिटी से मैं बार बार बोलता था भूख से मर तो नहीं रहा, वो लेकिन, तो कर रहा है लेकिन जिंदगी का जो उसने सरमाया बचाया उसको, उसको खत्म कर उसने अपनी बेटी की जहेज के लिए पैसा बचाना था वो कोई छोटा अपने लिए रिक्शा खरीदना चाहता था उसके लिए बचा रहा था सो फोर्टी सिक्स परसेंट ऑफ पीपल डिप्ट इन टू देर ये जो थी So, uh, about ने कर्ज लिया या दोस्तों से या रिश्तेदारों से so, uh, uh, पाकिस्तान के, के, के अंदर हुआ क्या हुआ हम हमसे भी ज्यादा गुर्बत है और जहां इतना एक्सटेंडेड लॉकडाउन किया सो सो द इकोनॉमिक अच्छा अब पी एम ने जब पहले दिन यह कहा uh, सताइस मार्च को एनसीओ सी बनी उन्होंने कहा यार मुझे जो है ना सिर्फ लाइफ की फिक्र नहीं, नहीं है मुझे लोगों के रोजगार की और भूख की भी फिक्र है वो बैलेंस, तो कर, है। कर है। वो बार बार मेरी अब शुरू की आप देखें मैं हर जगह बात करता था कि बैलेंस अप्रोच लेनी है तो हमने क्या किया हमने सबसे पहले कहा कि यार ओके दुनिया में सुखद किस को कोप करने के लिए क्या सो वी केम टू द कंक्लूजन के साउथ कोरिया हैड द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड नोट इसको टेस्टिंग

And उस मॉडल के ऊपर हमने ये 27 मार्च को बना है 10 अप्रैल को उसका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीओसी डाउन टू द्रास रूट लेवल पूरी हेल्थ की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वाज इन प्लेस द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट वन एंड बाय्रैलो टी टीक्यूट बीन लॉन्च पाकिस्तान इसी तरीके से हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉटस्पॉट करके आइडेंटिफाइड एरिया बट टारगेटेड फिर क्लोजर्स किए द होल आइडिया और उसके मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल टोटल पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन हम सिर्फ uh, दस फीसद से भी कम मेरे ख्याल में पांच से भी कम था लगभग पांच फीसद के करीब था लॉकडाउन uh, करके वी वर एबल टू आइसोलेट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एक्टिव कोविड केसेज इन पाकिस्तान सो so, उससे क्या हुआ कि आपकी आपका हाँ स्मार्ट लॉकडाउन हा, जो थे और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थे उस वो हमारा पुराना एक सिस्टम था उसको हमने इम्प्रोवाइज किया बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और उसके बुनियाद के ऊपर वी वर एबल टू तो लिमिट द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विच बी तो शट डाउन पचानवे फीसद इकोनॉमी आप खोलने में कामयाब हो गए वेल स्टिल बेन सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉटस्पॉट बेस्ड लॉकडाउन टारगेटेड लॉकडाउन एंड दी टी क्यू सिस्टम दैट वॉज पुट इन प्लेस हजारों लोग एम्प्लॉय हुए फॉर टारगेट वो ट्रैकिंग के लिए ट्रेसिंग के लिए अच्छा ट्रेसिंग के मैं आपको नंबर बताऊँ कोरिया का नंबर कोरिया वॉज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड तो उनका फॉर ईच कोविड पेशेंट ट्वेल्व का नंबर होता था hmm. हमने जो, जो ट्रेस करते, करते थे पीछे इस आदमी से बारह लोग या इस औरत से बारह लोग मिले हैं hmm. जिनको हमने जाकर टेस्ट करना right. द दईडिया इज वेरी सिंपल द आइडिया इज इफ यू कैन आइडेंटिफाई हु गॉट कोविड यू एंड यू आइडेंटिफाइड वो किससे मिला है यू रीच देम क्विकली यू टेस्टेड देम

लोगों के लिए वैक्सीन अब हमें एक डिफरेंट मोड में जाना पड़ेगा विच इज टू कन्विंस पाकिस्तानी आपने लगाना भी है और हम जो डिसीजन मेकिंग के लिए रूल ऑफ थम शुरू में यूज करते थे कि अगर रिपोर्टेड केस एक है तो फिर डिसीजन मेकिंग दस केसेज है।